नमस्कार दोस्तों, आज से हम एक नया पाठ अध्ययन शुरू करेंगे जिसका नाम है शिव पुराण। तो इससे पहले कि हम जानें कि शिव पुराण क्या है और हमें क्यों पढ़ना चाहिए, आज हम जानेंगे कि शिव पुराण का महत्व क्या है। तो ये शिव पुराण जो है वो परम उत्तम शास्त्र है। इसे भूलत पर भगवान शिव का ब्रह्मांडमय स्वरूप समझना चाहिए, यानी कि अगर हम शिव पुराण को पढ़ते हैं तो वो ब्रह्मांड स्वरूप है और सब प्रकार से इसका सेवन करना चाहिए। इसका पठन और श्रवण सर्वसाधारण रूप है। इसके पठन को कोई भी कर सकता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, बूढ़ा हो या जवान, कोई भी इसको पढ़ सकता है। इसे शिव भक्ति को पाकर श्रेष्ठतम स्थितियों में पहुंचा हुआ मनुष्य शीघ्र ही सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। इसलिए संपूर्ण यत्न करके मनुष्य इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। शिव पुराण को पढ़ने से इंसान को बहुत ज़्यादा फल मिलता है और इसके अध्ययन को करने से इंसान अभीष्ट साधन को प्राप्त कर लेता है। इसी तरह प्रेम पूर्वक श्रवण भी संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाला है। तो अगर हम शिव पुराण को पूरे मन से पढ़ते हैं तो हमें इसका फल जरूर मिलता है और भगवान शिव हमसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न भी होते हैं। भगवान शिव के इस पुराण को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है तथा जीवन में बड़े बड़े समस्याओं को भोग करके भी अंत में शिवलोक को वो प्राप्त ही कर लेता है। यह शिव पुराण नामक ग्रंथ 24,000 श्लोकों से युक्त है। इसकी 7 संहिताएं हैं। हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए, अगर हम शिव पुराण को पूरे भक्ति से और पूरे मन से इसका श्रवण करते हैं और इसकी वाचना करते हैं तो हमें परम ब्रह्मा और परमात्मा के समान विराजमान और सबसे उत्कृष्ट गति को प्रदान भी ये करता है। जो निरंतर अनुशासन पूर्वक इस शिव पुराण को पढ़ता है अथवा प्रेम पूर्वक इसका सिर्फ पाठ मात्र करता है वो पुण्यात्मा है, इसमें कोई संशय नहीं है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष अंत काल में भक्ति पूर्वक इस पुराण को सुनता है उस पर अत्यंत प्रसन्न हुए भगवान महेश्वर अपना पद प्रदान कर लेते हैं। अगर हम इस शिव पुराण को पूरी भक्ति से पढ़ेंगे और पूरे मन से पढ़ेंगे तो भगवान शिव हमसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और अपना पद भी प्रदान करते हैं। जो प्रतिदिन आदर पूर्वक शिव पुराण का पूजन करता है वह इस संसार में संपूर्ण भोगों को भोग कर अंत में भगवान शिव के पदकों को प्राप्त कर लेता है। जो प्रतिदिन आलस्य रहित होकर रेशमी वस्त्र पहनकर शिव पुराण का सत्कार करता है वह सदा सुखी होता है। तो ये माना जाता है कि शिव पुराण को जब हम पढ़ते हैं तो अगर हम वस्त्र जो है वो रेशमी धारण करें तो इससे भगवान शिव बहुत ज़्यादा खुशी होते हैं और हमें हमेशा सुख प्रदान होता है। यह शिव पुराण निर्मल तथा भगवान शिव का सर्वस्व है। अगर हम सिर्फ शिव पुराण की वाचना करते हैं तो यह पूरे ब्रह्मांड स्वरूप है। जो इस लोक और परलोक में भी सुख चाहता है उसे आदर के साथ प्रयत्न पूर्वक इसका सेवन करना ही चाहिए। यह धर्म निर्मल और उत्तम शिव पुराण अर्थ काम और मोक्ष को प्राप्त करता है, अतः सदा हमें प्रेम पूर्वक इसका श्रवण करना चाहिए और विशेष पाठ रूप से इसका पाठ करना चाहिए। शिव पुराण को पूरे मन से पढ़ना चाहिए, पूरे प्रेम पूर्वक
इसका श्रवण करना चाहिए और विशेष रूप से इसका पाठ करना चाहिए। यह शिव पुराण निर्मल एवं उत्तम शिव पुराण धर्म, अर्थ और मोक्ष स्वरूप चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। अतः सदा इसका वाचन प्रेम पूर्वक करना चाहिए और विशेष इसका पाठ करना चाहिए। इसके पाठ करने से हमें हमेशा सुख प्राप्ति होती है और भगवान हमसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। धन्यवाद।